कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी ट्वेल्थ के बाद हम IIT में एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन अब आपके पास एक सुनहरा मौका आया है IIT में जॉब करने का। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अज़हर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान टेक्स्टर। ऐसी वैकेंसी जो कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से कंपटीशन इसमें डाउन हो जाता है। ऐसी वैकेंसी दोस्तों लेकर आया हूं आज की वीडियो में। IIT जोधपुर में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। कितनी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट के क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दूसरों के साथ भी बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों और फिर आगे बढ़ेंगे इसकी डिटेल पे। यहाँ पर देखिए तो जो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों रहने वाली है वो है दोस्तों, ये गलत प्रिंट आउट हो गया, ये है IIT जोधपुर, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर। ठीक है, वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट हैं अभी बात करेंगे आगे जाके। जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 122, जिसमें लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की दोस्तों 15 जून 2024। ये बढ़कर इतनी हो गई है, पहले थी दोस्तों कितनी, इसकी 15 मई लास्ट डेट थी, अब ये बढ़कर कितनी हो गई है, 15 जून हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भी बात करूँगा, डिपेंड ऑन, वो भी पोस्ट पर डिपेंड करता है। आगे जाके बात करेंगे कौन सी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका रिटर्न एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगा। पे स्केल भी डिपेंड ऑन पोस्ट करता है। अब देखिए फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरने की फीस कितनी है, जनरल OBC के लिए 1000 रुपये, जो पे लेवल 10 और उसके अबाव हैं, जिसकी यानी कि पे स्केल ज़्यादा है 10 से और 10 से अबाव, 10 या 10 से अबाव, तो उनके लिए जनरल और OBC की फीस है 1000 रुपये। और जो जिनका पे स्केल इससे अलग है, 10 से कम है, तो वो उनकी फीस है दोस्तों जनरल और OBC के लिए 500 रुपये। SC ST फीमेल्स के लिए फॉर्म फ्री रहने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, पोस्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं, कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट जो टोटल हैं दोस्तों हमारी 74 पोस्ट हैं। इसके लिए देखिए बैचलर मास्टर डिग्री इन रिलेटेड स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एज लिमिट है 27 से 35। और फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, बाकी मोटा मोटा ये है, एज लिमिट 27 से 35 है इसके लिए, और आपके पास बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होने चाहिए, राइट, जो टेक्निकल पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की टोटल है 20, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी, अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है यानी कि आपने BSc BCom या फिर BA किया हुआ है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके कम से कम मिनिमम। ठीक है, एज लिमिट इसकी मैक्सिमम 35 साल तक होनी चाहिए, इससे ऊपर हुई तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आगे देखिए डिप्यूटी रजिस्ट्रार 1 है, मास्टर डिग्री 9 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है और एज लिमिट 50 साल है। फिर डिप्यूटी रजिस्ट्रार 1 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 55% और एज लिमिट है 50 साल। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, वीडियो शॉर्ट हो जाएगी आपके लिए भी, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, लेंदी होगी, आपका ही टाइम वेस्ट होना है। सिंपल आपने स्क्रीनशॉट लिया, जिसके लिए एलिजिबल हो फटाफट से इसके लिए अप्लाई कर देना। यहाँ पर देखिए हिंदी ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 2, सुपरिटेंडेंट 3, मैनेजर 1, और इसकी यहाँ पर डेट भी है दोस्तों और क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, राइट, सो पॉज करके आप वीडियो को देख लेना। आगे देखिए 2 वैकेंसी और है, जूनियर सुपरिंटेंडेंट 7 हैं इसके लिए टोटल वैकेंसीज, और सीनियर असिस्टेंट की 12 हैं इसके लिए। यहाँ देखिए मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री इन 55% होने चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैक्सिमम 35 साल। यहाँ पर देखिए एज लिमिट है 35, इसकी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 55%, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया। तो बहुत सारी ऐसी भी पोस्ट हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना, अगर नहीं है तो विदाउट एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डिटेल में हो गई हमारी बात। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर अप्लाई करना है, आप विजिट करेंगे www.iitj.ac.in पर, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपको और अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको अप्लाई करने का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिए मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, कहीं सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, मैथ्स और रीजनिंग को आसान तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।